तो आप किस डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं? जूलॉजी। अच्छा जूलॉजी, माशाल्लाह। ये फाटा, ये जो बलोचिस्तान सीट्स पे। जी सर। मेहनत करें, मेहनत करें। मैंने बलोचिस्तान में 36 साल पढ़ाया। जी सर। मैं सितंबर 79 में लेक्चर लगा एडहॉक पे। जी सर। फिर होते 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 30 अगस्त 15 को रिटायर हुआ, 36 साल के बाद। लेकिन उस 36 साल में मैं 14 साल आउट रहा। जी। 4 साल मैं अमेरिका, मेरा स्कॉलरशिप पे पढ़ा। जी सर। एट यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना टूसा। और फिर 4 साल टर्की में मैंने पढ़ाया, पाकिस्तान चेयर पे, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, तुर्कचे बिल्योरसुन, टर्किश नहीं आती। जी सर। और उसके बाद फिर 4 साल वीसी गोमल रहा। मैं जब वीसी गोमल था ना, तो ये मंजूर पश्तिन कभी कभी आ जाता था मेरे पास। माशाल्लाह। ये डीवीएम का स्टूडेंट था ना, तो लीडर था, अच्छा अच्छा स्टूडेंट था। बिल्कुल। और मैं एक दिन, दो कैंपस थे, एक दिन उस कैंपस में बैठता था ताकि ये उस कैंपस को कंट्रोल कर सकूँ। और लोगों से पूछे, मैंने गोमल यूनिवर्सिटी को बड़े प्यार और सख्ती से कंट्रोल किया था। माशाल्लाह। वो भी बड़ी अनरूली है। जी सर। बहरहाल बलोचिस्तान। और फिर मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, फिर मेरी रिटायरमेंट आ गई। जी सर। तो बलोचिस्तान के एक दो, बलोचिस्तान का एक हमारा दोस्त था शराफत अब्बास। जी सर। फारसी का, उर्दू का प्रोफेसर था, फोत हो गया अल्लाह बख्शे। उसने हज़ारा ट्राइब पे बड़ी रिसर्च की। जी सर। तो इसका एक शेर है और वो अपने अंदाज से। जी सर। उसको सुनाता था, कहता था सुनाना वैसे पड़ेगा। जी। दस्तार बचाते हैं तो सर जाता है साई। दस्तार बचाते हैं तो सर जाता है साई। एक दिन तो दिल खुद से भी भर जाता है साई। वाओ, माशाल्लाह सर, डे अमेजिंग। और एक शेर और है, वो अताशात का था, वो भी मुझे बड़ा पसंद है। जी सर। ये रेवोल्यूशनरी पोएट्स थे। जी सर। इरशाद। वो कहते हैं पारसाओं ने बड़े ज़र्फ का इजहार किया। पारसाओं ने बड़े ज़र्फ का इजहार किया, हमसे पी और रुसवा हमें सरे बाजार किया। वाओ, इंप्रेसिव सर, अमेजिंग, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर।